हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सबको लाउड एंड क्लियर आ रही है बच्चों? यस सर। ग्रेट। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर में असाइनमेंट चैप्टर लाइट की डिस्कशन। हमने इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इंटेक्स, सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज हम सारे कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा कुछ एमसीक्यूज के साथ, और हम फिर बाद में करेंगे असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। और टाइम मिलेगा तो फिर हम आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू के। कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड वेल किन के लिए? सिर्फ प्लेन मिरर के लिए, सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कि सारे मिरर्स के लिए? तो आंसर इज ऑल मिरर्स, इरिस्पेक्टिव बेटा वो कौन से हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंटेड ऑन इट। मतलब ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर किसी सोर्स से आती हुई लाइट को हम पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहते हैं कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर में रे पैरेलल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में रे पैरेलल हो सकती है, ठीक है, वो भी हो सकती है। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। फिर कहते हैं टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर एंड कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। तो आंसर है बेटा टू प्लेन मिरर्स जिनको हम 90 डिग्री पे अगर रख देते हैं। सर कैसे? ये देखो बेटा, ये रे यहां जाएगी, ये यहां से स्ट्राइक होके बेटा यहां जाएगी, ये यहां से स्ट्राइक होके यहां आ जाएगी। तो बेटा दो प्लेन मिरर्स को अगर हम 90 डिग्री पे रखते हैं एक दूसरे के, तो वो एक रे ऑफ बीम को क्या कर सकते हैं बेटा? पैरेलल कर सकते हैं। कहते हैं 10 mm ऑफ लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ पिन इज फॉर्म्ड 30 cm इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अगर आप ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें बेटा कितनी दे रखी है? 10 mm। इमेज की हाइट हमें बेटा कितनी दे रखी है? 5 mm। और वो कह रहा है इमेज जो है कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बन रही है, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव कितना आ जाएगा? 30 cm आ जाएगा। कहते हैं द फोकल लेंथ इस मिरर की क्या होगी? अब जरा ध्यान से देखना बेटा, सिंस ये मिरर है, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? मैग्निफिकेशन। कैसे? इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट कितनी है? 5। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है? 10। तो बेटा मैग्निफिकेशन क्या आ गई? 0.5। अगर मैग्निफिकेशन 0.5 आ गई तो बेटा अब मैं क्या निकालूंगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कैसे? मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू, माइनस ये कितना आ जाएगा? 30। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ये नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो बेटा, कहता है अ 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ पिन इज फॉर्म 30 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बेटा ये जो इमेज है ये इनवर्टेड होनी चाहिए, तभी तो इमेज जो है वो क्या हो जाएगी? -5।
अगर ये माइनस फाइव होगी तो मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाऊंगा तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, माइनस 0.5। अगर मैं मैग्निफिकेशन को माइनस 0.5 प्लेस करता हूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस 30 अपॉन यू। नेगेटिव से नेगेटिव ये कैंसिल हो गया तो यू कितना आ जाएगा, 30 अपॉन माइनस 0.5। ऊपर चला जाएगा ये आ जाएगा 300 अपॉन 5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा यू की वैल्यू मैं राइट साइड पर लिख रहा हूं वो कितनी आ गई, माइनस 60 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा मेरे पास यू आ गया, मेरे पास वी आ गया, मुझे फोकल लेंथ पता लगानी है, 1 by f = 1 by v + 1 by u, 1 upon -30 प्लस 1 upon -60। इनका एलसीएम लेंगे तो बेटा वो कितना आ जाएगा, 60, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -1। तो 1 by f हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 upon 60। तो बेटा f कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन हो गई इस केस के अंदर। तो बेटा आप 1, 2, 3 के आंसर्स कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ एमसीक्यू की बात करते हैं। क्या कहता है, कहता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक कॉनकेव मिरर बनाएगा इमेज जो बड़ी होनी चाहिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट से। तो बेटा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, नो बेटा उसमें तो सेम साइज की बनती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, यस बेटा उसमें इमेज बड़ी बनती है, ये एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन इसके अंदर बेटा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अभी चेक करते हैं, कहते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी बनती है बेटा बड़ी। कहते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें तो नहीं बनती बेटा। तो बेटा इन दोनों केसेस के अंदर इमेज जो है वो बड़ी बनती है, लेकिन बेटा इनमें से उन्होंने कहीं पे मार्क नहीं किया। हालांकि बेटा इस केस में बड़ी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और ऊपर के केस में बिगर इमेज वर्चुअल एंड क्या बनती है बेटा, इरेक्ट। इस चीज का ध्यान रख लेता तो इसके दो आंसर्स बन गए। कहते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रेयर व्यू मिरर, जो बेटा मिरर हमको पीछे देखने में हेल्प करता है वो बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है। इसका मतलब है मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन आ गई, अच्छा 1 नहीं हो सकती, मोर भी नहीं हो सकती और बराबर भी नहीं हो सकती। कहते कैन बी मोर और लेस देन डिपेंडिंग, नहीं बेटा ये भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही आ गई, ए, मैग्निफिकेशन शुड बी लेस देन 1, क्योंकि बड़ी ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज। कहते रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव, अगर बेटा बहुत दूर से, आई रिपीट, अगर रेज बहुत दूर से आ रही है तो बेटा रेज कहां पे आ रही है, फ्रॉम इंफिनिटी, रिफ्लेक्ट होने के बाद, आई रिपीट रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जहां पे मीट करती है बेटा वो क्या बन जाता है, फोकल लेंथ। एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, एंड ये कॉनकेव मिरर है तो बेटा ये क्या आ गया, नेगेटिव। कहते हैं वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ताकि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर,
वेरी गुड बेटा, तो उस केस में वो कहाँ पे होना चाहिए? एट सी। तो बेटा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर फोकल लेंथ को बेटा मैंने डबल कर दिया। देन बेटा सेवेंथ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज एक ऑब्जेक्ट की इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। किस केस के अंदर किसी सर भी एवरी ऑब्जेक्ट, केस लेट अस सी बेटा, कॉनकेव मिरर ओनली बना सकता है बेटा। कॉनकेव मिरर के केस में इमेज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आके इमेज पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश बनती है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा कर सकता है? यस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कर सकता है? कॉनकेव, यस। आंसर इज बेटा सारे ही ऐसा कर सकते हैं। आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम एट्थ के बाद देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एट्थ क्वेश्चन। ध्यान से देखना बेटा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास। कहते हैं नेचर एक इमेज का फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज बनाता वर्चुअल है? वेरी गुड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। नाइन्थ क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? कहता है प्रॉपर्टी ऑफ अ मिरर विच इज यूज्ड इन बर्निंग ऑफ पेपर। बेटा बर्निंग ऑफ पेपर का मतलब है सन रेज को एक पॉइंट पे फोकस करो, है ना? तो बेटा कैसे करेंगे? रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए लार्जर डिस्टेंस इन अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म्स एन इमेज एट फोकस। ये एक सही ऑप्शन लग रही है। रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। नहीं बेटा, फोकस पे थोड़ी ना ऑब्जेक्ट रखेंगे। रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लार्जर डिस्टेंस इन कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म्स एन इमेज। नहीं बेटा, क्योंकि ये तो रेज बाहर चली जाती है, ये अंदर की तरफ थोड़ी ना आती है। रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ। नहीं, तो बेटा एक ही ऑप्शन है। रेज एक ऑब्जेक्ट से जो बहुत दूर है कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी रेज को फोकस पे क्या कर देता है बेटा? कन्वर्ज कर देता है। तो नाइन्थ का ऑप्शन क्या आ जाता है बेटा हमारे पास? ए। कर लीजिए मार्क। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 10th क्वेश्चन। कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर्स। तो बेटा फोकल लेंथ कितनी हो गई कॉनकेव मिरर की? -10 सेंटीमीटर। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल फॉर गेटिंग एन बड़ी इमेज विच कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन। मतलब इमेज बड़ी होनी चाहिए और स्क्रीन पे आनी चाहिए बेटा। कॉट ऑन द स्क्रीन का मतलब है बेटा इट शुड बी अ रियल इमेज। अगर रियल इमेज है इट हैज टू बी इन्वर्टेड। तो बताओ अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि हमें बड़ी इमेज बने, स्क्रीन पे बने और वो इन्वर्टेड हो, रियल हो। Placed at a distance of 5 सेंटीमीटर from the pole। नहीं बेटा, इसमें तो virtual and erect बनेगी। Placed at distance of 35, नहीं ये तो बेटा C से भी पीछे हो गया, image छोटी बनेगी। Placed at distance of 15 सेंटीमीटर, ये हो सकता है। And placed at distance of 4.5 सेंटीमीटर, नो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी बेटा? C।
कहते हैं 11th क्वेश्चन, इन द फिगर अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी. आप देख सकते हैं बेटा ये रहा मीडियम ए टू बी, ठीक है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए. अब जरा देखो बेटा, अगर रे जो है बेटा वो मीडियम ए टू बी जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा किसका निकलता है, मीडियम बी का विद रिस्पेक्ट टू ए. तो बेटा वो कैसे निकालते हैं, साइन आई बाय साइन आर, है ना. जो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, मीडियम ए के अंदर एंगल बेटा कितना आ जाएगा, साइन 60 अपॉन बेटा कितना आ गया, साइन 45 डिग्री. लेकिन उन्होंने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिलेटिव टू मीडियम ए, तो बेटा यही हमें वैल्यू निकालनी है. साइन 60 बेटा कितना होता है कौन बताएगा, 1/2 √3/2 √3/2 एंड बेटा 45 कितना होता है, 1/√2 तो बेटा रूट टू ऊपर आ जाएगा अपॉन 1, तो बेटा आप ये कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास रूट टू आ गया, यहाँ पे रूट नहीं दे रखा बेटा, तो ऑप्शन जो है वो ये वाली होगी ए, इट शुड बी √3/2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए बेटा कैसे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी. कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कॉइन प्लेस्ड इन अ बाउल व्हेन सीन फ्रॉम अ प्लेस जस्ट डिसअपीयर. एक कॉइन जो है बाउल में दिखता हो रहा है वो डिसअपीयर हो गया जब पानी इज पोर्ड इनटू द बाउल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन. क्यों, द कॉइन विल नॉट बी सीन, इट अपीयर्स अबव द वॉटर सर्फेस, इट बिकम्स विजिबल अगेन एंड अपीयर वेरी मच डीप इन साइड द वॉटर. वेरी मच डीप तो जाएगा ही, ठीक है. तो एक कॉइन को हमने जब बाउल में प्लेस किया तो वो बाद में नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम उसको पानी में प्लेस करते हैं तो बेटा उसके बाद क्या, बिना कॉइन को डिस्टर्ब किए क्या वो हमें दिखेगा, क्या वो अपीयर्स अबव द वॉटर सर्फेस, क्या वो विजिबल होगा दोबारा कि इट अपीयर्स वेरी मच डीप इनसाइड द वॉटर सर्फेस. तो बेटा वो दोबारा क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, है ना. तो हमने पढ़ा था ना कि थिंग्स प्लेस्ड इन वॉटर डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल, बाहर से देखो तो कम दिखती है अंदर ज्यादा गहरी होती है रिफ्रैक्शन की वजह से. हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, तो वो यही सेम फिनोमिना जो है 12th क्वेश्चन में लगा है. अब देखिए बेटा ध्यान से, अनदर क्वेश्चन वेरी नाइस. कहते हैं 13th क्वेश्चन, आप कॉपी कर लीजिए फिर हम 13th क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 13. कहते हैं a beam of light is incidented through the holes of a side A and emerges out of the holes on the other surface of the box as shown in the figure. Which of the following could be present inside the box? हाँ जी क्लास, तो जैसा कि हमने बात किया, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, डायग्राम चेंज हो गया बेटा. क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम जो है वो ये रहा. कहते हैं एक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंटेड थ्रू द होल्स ऑन साइड ए. ये देखो बेटा ये है साइड ए,
and emerges out of the holes on the other surface of the box as shown in the figure. ये देखो बेटा अदर सरफेस क्या हो गया बेटा बी, ये हो गया बेटा हमारा बॉक्स. सवाल ये है कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है. अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर आप देख सकते हो ये एक नंबर लिखा है कितना 10, इससे नीचे लिखा है 9. अगर हम इसको मैग्नीफाई करें, थोड़ा सा बड़ा करें, मैं आपको उसको बड़ा भी करके दिखा देता हूं, है ना. तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा. ये देखिए बेटा, तो बेटा इस 13th क्वेश्चन के अंदर ठीक है यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. अब ये नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा. ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, पता नहीं बॉक्स के अंदर क्या था, बाद में ये रे ऑफ लाइट जो है बेटा वो ऐसे जा रही है. अब अगर बेटा रे ऑफ लाइट यहां से यहां जा रही है, इसका मतलब तो बेटा कंफर्म है कि इसके अंदर लेंस है. अब हमें पता लगाना है कि बेटा कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या प्लेन मिरर या ग्लास स्लैब. तो बेटा इसका, और ये देखो बेटा ये जो रे ऑफ लाइट है जब वन नंबर वाली ये ऐसे जाती है तो ये ऐसे इमर्ज करके बाहर निकल रही है. मतलब 10 वाली जो रे है वो ऐसे जा रही है और जो वन वाली रे है वो ऐसे जा रही है. इसका मतलब है बेटा इस बॉक्स के अंदर कौन सा है बेटा लेंस, इट इज कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही बेटा ऐसे कर सकता है. तो आप 13th का आंसर बेटा क्या मार्क करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस. तो 13th का आंसर क्या हो गया बेटा, कॉन्वेक्स लेंस. 14th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कहता है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर्स की पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर. अगर उसकी पावर कॉन्वेक्स लेंस है तो बेटा पावर अगर 4 डायोप्टर्स है तो 1/4 का मतलब 0.25 मीटर आ गया. ये तो ट्रू है बेटा. कहते हैं अ कॉन्वेक्स लेंस हैज -4. बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर नेगेटिव में नहीं हो सकती. अ कॉनकेव लेंस हैज पावर 4 डायोप्टर, बेटा ये भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उसकी कॉनकेव लेंस की पावर पॉजिटिव नहीं हो सकती. अ कॉनकेव लेंस हैज -4 डायोप्टर पावर विद अ फोकल लेंथ ऑफ पॉजिटिव, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी सही नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो क्या आ गई, ए. बाकी तीनों फॉल्स है. कहते हैं पावर ऑफ अ लेंस इज -3.5 डायोप्टर्स. तो ये लेंस क्या होगा, ये लेंस क्या होगा बेटा, कॉनकेव होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव है फोकल लेंथ इसकी, तो वो कॉनकेव की ही हो सकती है. देन बेटा 16th क्वेश्चन कहता है द फॉर्मूला टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. तो बेटा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन एयर, नहीं बेटा ये तो गलत हो गया. एन इज 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, नहीं. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये सही है, ये भी गलत है. कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 17 से. कहते हैं अ रे ऑफ लाइट एंटर करती है फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए. अब बेटा अगर आप जरा ध्यान से देखो तो ये मीडियम क्या है, डेंसर. ये मीडियम बेटा, ये मीडियम जो है ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है, ये छोटा बड़ा एंगल बना रहा है. इसका मतलब है ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम बी का, है ना, ए से कम होगा.
तो the refractive index of medium B is greater than unity, equal to unity, less than unity or zero. Zero तो हो नहीं सकता, तो अगर ज्यादा होगा तो वन से ज्यादा होगा, greater than unity, वन से ज्यादा. कहते हैं image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect or larger. When then the object, where should the position of the object? तो कहाँ पे होगा बेटा? Between pole and focus. इसी केस में virtual, erect और larger image बनती है. कहते हैं which of the following may be have magnification positive? बेटा एक तो positive है, तो बेटा ये कौन हो जाएगा? Convex. और बेटा since magnification positive है, तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा बेटा? Convex lens. क्योंकि वो लेंस की होती है बेटा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. हाँ कहते हैं एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. कॉन्वेक्स लेंस में आप कहां पे रखोगे ताकि एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आए? तो आंसर क्या है? बिटवीन एफ एंड ओ, तभी आपके पास वर्चुअल, इरेक्ट और इनफैक्ट बिगर इमेज आती है. कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 21st क्वेश्चन से. कहते हैं अ रियल इमेज is formed by light rays after reflection or refraction come when they actually meet or intersect with each other. ये सही है. Actually converge at a point. Okay. Appear to meet. Appear तो हो ही नहीं सकता. Appear to diverge. ये भी नहीं हो सकता बेटा. तो actually meet and actually converge. तो बेटा ये क्या हो जाएगा? One and two are इसके अंदर options. कहता है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज. कहता है कैनॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, ट्रू, दे आर इरेक्ट, ट्रू, आर ऑलवेज इनवर्टेड. ये तो गलत है बेटा, ये तो पॉसिबल नहीं है. द करेक्ट प्रॉपर्टीज आर कौन कौन सी? 1, 2 and 3. तो आप 22nd में देख सकते हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी बेटा? 1, 2 and 3. तो बेटा वो बी ऑप्शन आ गई हमारे पास. ट्वेंटी थर्ड इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर गिवन. बेटा जिसका जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, लाइट की स्पीड उसमें सबसे कम होगी. आंसर इज बेटा क्या? डायमंड. 24th कहते हैं A full length of image of a distant tall building can be definitely seen by a concave mirror. A full length image of a tall, distant tall building. Distant tall building, concave mirror, yes, दिखा सकता है. Point size बनेगी ना. Distant tall building है. नहीं, concave mirror ढंग से नहीं दिखाएगा. Convex mirror. फुल लेंथ यस दिखा सकता है. अच्छा प्लेन मिरर भी दिखा सकता है, बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर. अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग, अ कॉन्वेक्स मिरर. अगर इंफिनिटी पे रहते हैं बिल्डिंग का तो सिर्फ कॉन्वेक्स दिखा सकता है. A full length distance of a tall building. अच्छा full length. Plane mirror तो नहीं दिखा पाएगा. Plane mirror भी दिखा देगा. अगर full length image of a distant tall building, हाँ तो ये दोनों ही दिखा देंगे. Both concave as well as plane mirror दिखा देंगे दोनों.
कहते हैं इन टॉर्चेस सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस वेरी नियर टू द फोकस ताकि पैरेलल बीम जाए. कहते हैं 26 द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय फोर स्टूडेंट्स आर शोन बिलो. किसका पाथ सही है? तो बेटा डी है ना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल पाथ इस रे का तो बेटा ये जाना चाहिए, पर वो अपने पाथ से क्या हो गई, लेटरली डिस्प्लेस्ड हो गई. ये भी गलत है, बाकी सारे गलत आ रहे हैं. आगे बढ़ते हैं बेटा, आई होप आप सबने मार्क कर लिए साथ साथ में. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 27th क्वेश्चन. कहते हैं यू आर गिवन वाटर मस्टर्ड ऑयल एंड ग्लिसरीन एंड केरोसिन इन विच ऑफ दीज मीडिया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट. बेटा इनमें से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है उसमें वो सबसे ज्यादा बेंड करे. बेटा वाटर एंड केरोसिन का तो हमें दे रखे हैं बेटा. केरोसिन का 1.44 है और वाटर का होता है 1.33 के आसपास, ठीक है, और मस्टर्ड ऑयल का होता है 1.46 में और ग्लिसरीन का होता है बेटा 1.74. तो बेटा किसका, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है उसके अंदर रे सबसे ज्यादा बेटा क्या करेगी, बेंड करेगी. देन बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर. बेटा फिगर ये है, रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद बेटा ये कहां से पास करेगी, फोकस. वेरी गुड, इट शुड पास थ्रू फोकस. तो बेटा कौन सी ऑप्शन सही है, फिगर डी. तो बेटा ये वाली ऑप्शन जो है वो हमारी सही है, बाकी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है. ठीक है, तो 28 का क्या हो गया बेटा, डी पार्ट हो गया. देन हम बात करते हैं 29th क्वेश्चन की. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस एज शोन इन फिगर 10.7. ये देखो बेटा रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है, रीचेस ऑप्टिकल सेंटर. तो बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो बेटा ये डायग्राम सही है, फिगर ए इज करेक्ट. 30th कहते हैं अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर शी फाइंड्स द इमेज ऑफ अर हेड बिगर द मिडल ऑफ पोर्शन ऑफ अर हेड सेम साइज एंड दैट ऑफ लेग स्मॉलर. बेटा कौन सा मिरर इमेज का साइज पास आने पर बड़ा कर देता है, कॉनकेव. सेम साइज कौन सा करेगा बेटा, प्लेन. और छोटी लेग्स स्मॉल बेटा कौन दिखाता है, कॉनवेक्स. तो ये बेटा ऑर्डर है, तो ऑप्शन क्या आगे बेटा हमारी सी. तो कॉनकेव है, उसके नीचे प्लेन मिरर है और उसके नीचे कॉनवेक्स मिरर है. तो यहां पे हमारे MCQs डिस्कस हो गए. तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद assertion एंड रीजनिंग. पहला कहता है ऑन लाइटिंग अप अ रूम थिंग्स बिकम विजिबल. सही है, ट्रू. एंड
ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट जो उसके ऊपर फॉल करती है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखें रिसीव करती है तो हम चीजों को देख सकते हैं। तो बेटा ये ट्रू है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। कहते हैं अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। बेटा ये ट्रू है क्योंकि इसका मतलब है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा ये ट्रू है एंड ये क्या है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये भी क्या है बेटा, ए। किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटा जो शैडो कास्ट होती है वो यही बताती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कहते हैं द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ओनली मिरर। यस बेटा ट्रू है ना, रिफ्लेक्शन है ना, ओनली मिरर कैन रिफ्लेक्ट लाइट। फॉल्स बेटा, कुछ मेटल्स हैं वो भी लाइट को बेटा क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी। कहते हैं द मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू ओपेक ऑब्जेक्ट्स आल्सो। फॉल्स। कहते हैं अ प्लेन मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ। तो बेटा ये क्या हो गया, ट्रू, ये होगी बेटा ऑप्शन डी। कहते हैं अ पर्सन कैन नॉट सी हिज इमेज इन अ कॉनकेव मिरर अनलेस ही इज सिचुएटेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इंसान अपनी इमेज नहीं देख सकता कॉनकेव मिरर में जब तक वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ना हो। बेटा ये फॉल्स है। इन अ कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म्ड इज रियल provided the object is situated beyond its focus। बेटा ये true है। अगर आपको real image चाहिए तो आपको focus से क्या रहना पड़ेगा, पीछे रहना पड़ेगा। तो ये option हमारी बेटा कौन सी हो गई, D। कहते हैं sixth, a highly polished surface such as mirror reflectors most of the light falling on it। बेटा ये true है, it is refraction of light। फॉल्स बेटा, बेटा मिरर है तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो ये कौन सी ऑप्शन होगी हमारे पास, सी ऑप्शन होगी। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सेवेंथ। कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स। बिल्कुल सही कहा, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव एन इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज एंड दे हैव अ वाइडर फील्ड व्यू। बिल्कुल सही कहा, तभी तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। ये आ गया ऑप्शन ए। कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये बेटा ट्रू है, हम ऐसे ही करते हैं बेटा। द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ये बेटा फॉल्स है, तो ये कौन सी ऑप्शन हो गई, सी। कहते हैं अ पेंसिल अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सेम सम एक्सटेंट इफ इट इज पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर केरोसिन और टर्पेंटाइन ऑयल। बिल्कुल सही कहा, द पेंसिल अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ट्रू। तो ये क्या ऑप्शन होगी बेटा हमारे पास, बी। The value of refractive index of a given pair of media depends upon the speed of light in the two media. बिल्कुल सही का, light travels faster in vacuum with speed of this. ये भी बेटा true है, ये option क्या होगी, B। दोनों अपनी जगह true है। A ray of light through the optical center of a lens passes without any suffering deviation. बिल्कुल सही का। The effective diameter of a circular outline of a spherical lens is called the aperture. बिल्कुल सही का, ये option क्या होगी। Many optical instruments consist of a number of lenses. बिल्कुल सही कहा, they are combined to increase the magnification and sharpness of the image. ये भी बेटा true है, पर जरूरी नहीं है कि ये correct explanation हो।
तो ये भी ऑप्शन क्या आ गई, ट्रू आ गई। फिर हम बात करते हैं बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ emergent ray from actual path of incident ray. Incident ray का जो actual path होता है उससे displace करके जो ray बाहर निकलती है बेटा उसे कहते हैं emergent ray. Illustrate with the help of the diagram. बेटा diagram के लिए आप notes refer कर सकते हैं. List any one factor on which the lateral displacement depends. Beta, it depends upon thickness of glass slab. It depends upon thickness of glass slab. वो कितना thick है? How does the velocity of light vary with the change in the optical density of the medium? Beta, optically denser medium velocity of light beta utna hi kya kar jati hai, decrease kar jati hai. Next question ki baat karte hain beta, second question, what is the value of focal length of a plane mirror? Beta infinity. Kehte refractive index diamond ka 2.42 है. What is the meaning of this statement in relation to speed of light? तो बेटा, it means speed of light will decrease by 2.42 times when it enters डायमंड. इतने टाइम्स लाइट की स्पीड कम हो जाएगी जब वो एंटर करेगा डायमंड के अंदर. आप कॉपी कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. अगर बेटा इसका मैग्निफिकेशन -1 है तो बेटा m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u. तो बेटा ये अगर -1 है तो बेटा ये आ गया v/u, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, u और v दोनों बेटा बराबर है. ठीक है, कहते फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट क्या बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी पॉसिबल है. और ये नेगेटिव आ रहा है तो बेटा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. कहता डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इसका मतलब है बेटा यू माइनस 50 है तो बेटा इमेज डिस्टेंस भी बेटा क्या होगा, -50. और ये बेटा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर. उसी केस में ऐसा हो पाएगा, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन. तो आप इसमें कहां लिखेंगे, कौन सा वाला केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता है तो इमेज भी सी पे बनती है, तभी तो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट एक जैसी होती है.
तो डायग्राम आप नोट्स में से रेफर कर सकते हैं, ये वाला कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनती है बेटा वो बड़ी होती है, लेकिन कॉनकेव लेंस के अंदर जो भी वर्चुअल इमेज बनती है ऑल आर स्मॉलर। ये फर्क होता है, कॉपी कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंटेड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर ताकि इट कम्स आउट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्लैब विदाउट एनी डिस्प्लेस्ड। बेटा इट शुड फॉल परपेंडिकुलर, इट शुड फॉल परपेंडिकुलर या फिर क्या नॉर्मल, तो बेटा वो बिल्कुल सीधी निकल के आएगा। सेवेंथ कहता है एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आप नोट्स से बेटा रेफर कर सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो बेटा क्या रिलेशन होता है बेटा, दैट रिलेशन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। वो क्या होता है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर। एंड बेटा ग्लास स्लैब के अंदर अगर आता है तो याद रखना एंगल आई बड़ा होता है और एंगल आर जो है वो छोटा होता है। नाइन्थ कहता है आंसर द फॉलोइंग डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कहता है व्हाई इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों भाई, बिकॉज नो मीडियम कैन मेक लाइट travel faster than in vacuum or air। कोई भी medium जो होता है वो light की speed को vacuum या air से ज्यादा नहीं कर सकता। speed of light in any medium will always be less than in air or vacuum। इसी में बेटा वो अगला पार्ट पूछते हैं, बी पार्ट। कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का बेटा कितना आता है, 4/3। कहते हैं व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, तो जरा देखो बेटा इसकी कैलकुलेशन कैसे आती है। ये देखो बेटा ध्यान से, हम यहां पे कर रहे हैं ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास With respect to water, बेटा क्या हो जाएगा, refractive index of glass with respect to air upon refractive index of water with respect to air। आपको निकालना है refractive index of glass with respect to air, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, refractive index of glass
with respect to water into refractive index of water with respect to glass. ये वाली वैल्यू है 9/8 और ये वाली वैल्यू है 4/3, तो ये कैंसिल हो गया 2 जा, ये कैंसिल हो गया 3 जा, तो ये आंसर बेटा कितना आ गया 3/2। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आ गया 3/2। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 10th, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। कहते ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में अगर वो ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसकी पोजीशन कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है, सी पर ही बनती है। नेचर क्या होता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगा। और बेटा साइज क्या आता है बेटा उसका, सेम साइज। दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। बेटा जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर में प्लेस करेंगे तो इमेज की पोजीशन जो है वो कहां बनती है बेटा, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर क्या होता है बेटा, वर्चुअल एंड इलेक्ट। और बेटा साइज क्या होता है, हमेशा स्मॉल। और डायग्राम के लिए आप बेटा क्या रेफर कर सकते हैं, नोट्स रेफर कर सकते हैं। तो आज हम लाइट की असाइनमेंट में बेटा इतना ही डिस्कस कर पाएंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम बेटा इसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे।